मान दे दिया सी यू के ऊपर टू प्लस टू ई पर माइनस या सी यू दे दिया, ये मान लो समीकरण नंबर एक है। आजेरियन दे दिया, आजेरियन पे टू प्लस और प्लस टू ई पर माइनस, ये रिएक्शन देख करके बताओ किस पे ऑक्सीकरण हुआ है, किस में अपचयन हुआ। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और नीचे वाला में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ। जरूर मैंने याद रखना है इस सबको, ठीक है। तब इसको सेल निरूपण में जब करेंगे, सेल निरूपण के अंतर्गत इसको प्रदर्शित करेंगे, कैसे आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, पहले कॉपर के ऊपर टू प्लस एक सिंगल बॉन्ड और फिर कॉपर और डबल बॉन्ड दिखा देंगे। पहला कहते तो ही लिखा गया, और डबल बॉन्ड दिखाएंगे डबल, और तब जिंक लिखेंगे और सिंगल लिखेंगे जिंक के ऊपर टू प्लस, और ये होता है सेल निरूपण। सेल निरूपण समझे, ए पढ़ने दो उसको। क्या किया गया यहाँ, सी यू के ऊपर टू प्लस है, उसको लिख दो, एक लाइन खींचो ये कापर लिख दो, डबल लाइन खींचो मतलब दूसरा का रिएक्शन लिख रहे हो, जिंक है तो जिंक लिख लो एक खड़ी बाई खींच के, और जिंक के ऊपर टू प्लस है तो जिंक के ऊपर टू प्लस लिख लो। नोट कर लो इसको, ऐसे ही मैंने कोई भी रिएक्शन आपको दिया होगा और कहेगा कि तनी आप सेल निरूपण करिए, तो इसी तरीके से आप सेल निरूपण कर देंगे, सेल को आप प्रदर्शित करके जो भी कहेगा उसको आप दिखा सकते हैं। समझे बात को कि नहीं समझे। मान लो और रिएक्शन है, बड़ा मजा आता है कुल पढ़े में। सी यू प्लस, सी यू का मतलब कॉपर, हमने जब 10 में पढ़े थे ए वावे ग्रीन ई चैनल, वगैरह कोपर का है, कोपर तू नहीं पढ़े होगे, कोपर हरियर का वाला कोपर कहता था। अब छारक है, सारक का है, सारक हाई रिएक्शन दिया है बाबू, इसको सेल निरूपण करना है। सेल तो पहले कहा है, कापर है, क्या हुआ है, आपको सुटाके पहन के तैयार हो, अब चालू कर देना, चलो धुआं का। हाँ, सी यू प्लस एक खड़ी पाई दे दो, सी यू के ऊपर टू प्लस डबल रेखा की दो, आई दो अंक ना लिखा जाला, ए जी के ऊपर प्लस आ सिंगल वन ए जी लिख लो, टू छोड़ देंगे। है समझे, बोले इधर इधर देखो, समझ में आया, जल्दी से आओ, एक और देखते हम लोग, अभी मैं सिखा देता हूँ तुम लोगों की, बारह में जाओगे तो दिक्कत भी नहीं होगी। इसको भी प्रदर्शित करना, कर लो खुद, कर लोगे प्रदर्शित कर लोगे, कैसे, एन लिखो एक रेखा खींचो, एन के ऊपर प्लस लिखो डबल रेखा खींचो, एम जी के ऊपर टू प्लस लिखो सिंगल रेखा खींचो एम जी लिख लो। क्या करना है यार, एन ए बताने लिखो एक रेखा खींचो, एन ए के साथ प्लस हुआ है सही, हाँ ये रेखा इसलिए खींचा जा रहा है कि ये रेखा ही रेखा किधर बताता है कि अभिकारक है, और रेखा किधर बताएगा उत्पाद, और डबल रेखा इसलिए खींचा जा रहा है कि अब दूसरा हम लोग लिखेंगे एम जी के ऊपर टू प्लस फिर एक रेखा फिर एम जी, मान लीजिए दो गो लिख लगा तू तो डबल रेखा खींचा फिर दो गो, हाँ मान लीजिए दे दिला से गौरी एम जी है प्लस है सी यू के ऊपर टू प्लस है, रिएक्शन का चिन्ह दिया एम जी के ऊपर टू प्लस प्लस सी यू दे दिया, खुद आप इसको लिख लीजिएगा, ए बात मत करो यहाँ पर, यहाँ बोलना नहीं है, ठीक है। चार नंबर आ जाओ, सी यू है, इस तरीके से आप इसको बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक जिंक है, एक सी यू के ऊपर टू प्लस है, कुछ बना लीजिएगा अपने मन से आप लोग, या जेड एन के ऊपर टू प्लस है या सी यू। पाँच नंबर भी लिख लीजिएगा, यहाँ
एमजी है, यहाँ जे डी एन पी टू प्लस क्यों बोले बात करते हैं, और यहाँ एम जी के ऊपर टू प्लस प्लस सी यू, यही आपका है, लिख लीजिए कि अगर पूछ